हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है? उसके बाद भी प्रैक्टिस सेट यानी कि टेस्ट देते समय आपके 250 मार्क्स नहीं आते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप 250 से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, यदि आपने अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से किया है, अपने टाइम को अच्छी तरह से आपने यूटिलाइज किया है। सो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल यूपी ट्रिपल एससी अड्डा पर, जहां पर आपको ढेर सारी जानकारियां और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि आप ट्रिपल सी अभी तक आपने नहीं किया है और आप ट्रिपल सी करना चाहते हो, क्योंकि भविष्य में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा बहुत सारे कोर्सेस, बहुत सारे एग्जाम में ट्रिपल सी अनिवार्य कर रहा है, तो आप अपने घर पर बैठ के हमारे चैनल पे आप पढ़ सकते हो। ट्रिपल सी के सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जहां से आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हो, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, यानी कि घंटे को दबा दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट न्यूज तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये सब तो आप सभी जानते होंगे कि उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम स्कीम क्या है, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिव्यू करा देता हूं आपको बस एक सेकंड के अंदर, कि सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न, संख्यात्मक एंड मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग एंड मैथ्स से 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मानसिक अभिरुचि बुद्धिलिप्ति एंड तार्किक क्षमता से यानी रीजनिंग से ही आपके 37 क्वेश्चन एंड सामान्य हिंदी से 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न दो अंक का होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। गलत उत्तर के लिए आपके आधा नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि टोटल जो है मार्क्स वो 300 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 300 में से आपको 250 प्लस स्कोर करना है, तभी जाके आप सिलेक्शन के लिए मजबूत दावेदारी कर सकते हैं। यानी कि जब आप बुलाए जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए, तभी आप ये समझ सकते हैं कि जो फाइनल मेरिट बनेगी, यानी फाइनल मेरिट में जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट के अकॉर्डिंग होगा आपका रिटन एग्जाम के, तो पॉसिबिलिटी वहां बन सकती है कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो 100% सिलेक्शन के लिए इस वीडियो को आप जरूर देखें। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप किसी साइबर कैफे में जाएं, वहां से उसे बोलें कि हमारे लिए एक OMR सीट डाउनलोड कर दो। सबसे पहले आपके पास एक OMR सीट होना चाहिए अपने घर में प्रैक्टिस करने के लिए। एक OMR सीट डाउनलोड करने के बाद उसकी आप फोटोकॉपी करा लो, कम से कम 20 से 30 फोटोकॉपी आप करा करके अपने पास रख लो जब घर में आओ, और उसके बाद आप टेस्ट देना शुरू करो। तो चलिए, तीन स्टेप मैंने आपको बताया है कि आपको करना क्या है, कि हर दिन आपको कम से कम दो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने हैं। यानी कि ये हो गया कि आप मार्केट से एक प्रैक्टिस सेट खरीद करके लाएं, जिसमें से कम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है, आप एक नहीं दो प्रैक्टिस सेट कम से कम खरीद करके लाएं, और दिन भर में कम से कम दो या तीन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। यानी कि 150 से लेकर के 150 क्वेश्चंस होते हैं, यानी एक प्रैक्टिस सेट में अगर आपने 150 क्वेश्चन कर लिए, तो इस तरह से तीन में आप 450 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए, यहां से आपको सीखने तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि प्रैक्टिस की, कि आपको दो घंटे के अंदर सभी चीजों को मैनेज करना है, OMR सीट फिल करना है, यानी कि आपका जो OMR सीट होता है उसमें क्वेश्चन के मार्क्स भी करने हैं, और आपको मैनेज करना है टाइम, यानी कि आपके पास दो घंटे का टाइम है, तो दो घंटे को आप पूरी तरह से यूटिलाइज ना करें, एक घंटा 50 मिनट में ही सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके OMR सीट को भी फिल करें। उस बीच में आप कोई भी काम ना करें, टाइम को अपने वॉच में सेट कर दें कि एक घंटा 50 मिनट के अंदर मुझे सारा का सारा काम करना है। तो इस तरह से आप करें, सबसे पहले आप कम से कम दो प्रैक्टिस सेट एक दिन में सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करते हैं, आपने पढ़ा बहुत कुछ है और अभी भी आप कोचिंग ज्वाइन किए हैं, अगर आप डेली कोचिंग जा रहे हैं, अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं उसी में, तो याद रखो कि आपको उससे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। आपने अभी तक जितना कुछ पढ़ा है वही इनफ है। अब आगे आपको ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, बस ये करना है कि आपने अभी तक जो पढ़ा है सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करें। तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर जोर लगाएं।
दो से तीन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद, उसको OMR शीट में फिल करने के बाद उसे चेक करें कि आप कितने मार्क्स पा रहे हो, ठीक है। जब इतना कर ले उसके बाद आप पिछले जो प्रैक्टिस सेट है जिसको आपने अटेम्प्ट कर रखा है उसके जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसे आप फिर से लगाएं, नहीं आता है तो अपने फ्रेंड से पूछें, अपने टीचर से पूछें और उसी को बार बार रिवाइज करते रहें, ठीक है। इन सब को करने में मान लीजिए आपने एक दिन में तीन प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए तो 6 घंटा आपका चला गया, 6 घंटे के बाद आपको 2 घंटे रिवाइज करने में लग गए, 8 घंटे में आपने रिवाइज कर लिया अपने प्रैक्टिस सेट सब मिला करके, अब बाकी के टाइम में आप अपने सिलेबस को रिवाइज करें, ठीक है। क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस सेट उसके बाद पिछला पढ़ा हुआ रिवाइज करना है। ध्यान दें सबसे ज़्यादा कि आपको अपने GS पोर्शन में करंट अफेयर्स को भी ज़्यादा वैल्यू देना है, यानी कि उसे आपको ज़्यादा पढ़ना है। फ्रेंड्स अगर आप इस रास्ते पर चलते हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर रखी है तब भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये तरीका अपनाने से आपके 250 प्लस लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम लोगों को ये होती है कि उन्हें आता तो सब कुछ है पर फिर भी वो 2 घंटे के अंदर स्कोर नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस नहीं होती है, वो प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर लें। शेयर करने से क्या होगा कि आप अपने दोस्तों की भी हेल्प कर रहे हो। ओके फ्रेंड्स, तो जल्द ही मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो जानकारी होती है एग्जामिनेशन से पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है उसके बारे में आपको बताऊंगा, इसलिए आप हमसे लगे रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें।